ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, थोड़ी देर सांस लेने के लिए बैठा हूँ। अभी चला जाता हूँ बाहर, गर्मी लग रही थी। कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही तुझे? एसी के नीचे ऐसे बैठे हो जैसे बिल तुमने देना है। सर चला जाता हूँ, 2 मिनट बस। दफा हो बाहर, ऐसे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। सर चला जाता हूँ, अभी कौन सा कोई कस्टमर आया, या बाइक मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी एसी चल ही रहे हैं तो थोड़ी देर मुझे भी हवा मिल जाएगी ठंडी। वो आगे से संभाल ला रहे हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, बाहर है। बाहर जाके लोगों को तमाशा दिखाओ, वरना यहाँ तमाशा बन जाएगा तुम्हारा। चलो बाहर दफाओ। अच्छा सर चला जाता हूँ। ओ चल निकल यहां से, कभी कोई बहाना लगाता है, कभी कोई बहाना लगाता है। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? नहीं सर बस, ये मुझे सब पता है, कल भी तुम्हारी बकवास सुन ली थी और आज भी सुन ली है, बस बहुत हो गया। तुम 1 मिनट भी ये कॉस्ट्यूम पहन के बाहर खड़े हो सकते हो? तुम्हें पता बाहर कितनी गर्मी है, और तुम इस बेचारे से बिजली के बिल की बात करते हो? तुम्हारे बाप ने देना है बिल, बोलो। नहीं सर। और तुम्हें इसके यहाँ बैठने से क्या तकलीफ हो रही है? बिल तो मैंने देना है, और तुम इस बेचारे को जलील करी जा रहे हो। पता नहीं क्या मजबूरी होगी इसकी जो ये काम कर रहा है। तुम्हारी बात क्या है, मैं तुम्हें अभी नौकरी से फारिग करता हूँ। चलो शाबाश। सर ऐसा मत करें, मेरे घर पे फैमिली है, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं सर, रहने दे इसे, मेरी वजह से नौकरी से मत निकालें प्लीज। सीखो कुछ इसे, तुमसे 100% अच्छा है ये। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप आइंदा से किसी को हकीर मत समझना, सब इंसान बराबर हैं। हम लोग यही तो बुरा काम करते हैं, अपने आप को उछले दर्जे का समझ के और लोगों को निचले दर्जे का समझते। सब बराबर है मेरे भाई। अब मेरी बात गौर से सुन लो, आइंदा भाई को जहाँ बैठने से रोकना नहीं है, और अब से भाई के लिए भाई प्रॉपरली सीटिंग हो और टेबल फैन लगाओ। जी जी मैं अभी करता हूँ, चलाओ भाई मेरे साथ।